हेलो गाइस, आज एक शो है और उस शो का आया है मुझे इनविटेशन, तो मैं वहीं जा रही हूँ, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। गाइस मैं अब पहुँच गई हूँ और आप लोग देख रहे हैं। गाइस ये जो मैं देखने आई हूँ, ये एक कंट्री है स्लोवेनिया, जो उन्होंने यहाँ पर कुछ शो रखे थे अपने कंट्री को प्रमोट करने के लिए। ये मेरी बेटी है, बड़ी शांति से प्रोग्राम देख रही है। देखते हैं क्या दिखाने वाले हैं ये लोग। दिखाने वाली हूँ मैं, तो मेरे साथ बने रहिए और इस नृत्य का सही अनुवाद करके मेरे कमेंट में लिखिए। जब तक मैं आपको स्लोवेनिया की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़कर सुनाती हूँ। तो क्या है स्लोवेनिया का इतिहास? वैसे मैंने भी इस कंट्री के बारे में पहली बार ही सुना था और आज पहली बार ही इसके बारे में मैं भी पढ़ूंगी, तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। नृत्य का भी आप आनंद लेते रहिए और मेरी हिस्ट्री यानी इतिहास भी सुनते रहिए स्लोवेनिया के बारे में। स्लोवेनिया का इतिहास की अवधि का वर्णन करता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान तक स्लोवेनिया क्षेत्र प्रारंभिक कांस्य युग में
कई आर्यन जनजातियों ने वर्तमान अल्बानिया से ट्राइस्टे शहर तक फैले एक क्षेत्र को बसाया। इनके नाम कितने कठिन है बाबा। स्लोवेनिया क्षेत्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा था और प्रारंभिक मध्य युग के दौरान प्रवासन काल की घुसपैठ से तबाह हो गया था। पेनोनियन मैदान से इटली का मुख्य मार्ग वर्तमान स्लोवेनिया से होकर जाता था। आधुनिक स्लोवेनियाई लोगों के पूर्वजों अल्पाइन स्लाव ने 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में इस क्षेत्र को बसाया। पवित्र रोमन साम्राज्य ने लगभग 1000 वर्षों तक भूमि को नियंत्रित किया और 14वीं शताब्दी और 1918 के मध्य के बीच अधिकांश स्लोवेनिया हब्सबर्ग शासन के अधीन था। 1918 में स्लोवेनिया ने सर्ब और क्रोएट्स के साथ यूगोस्लाविया का संगठन किया, जबकि एक अल्पसंख्यक इटली के अधीन आ गया। स्लोवेनिया राज्य 1954 में संघीय स्लोवेनिया के हिस्से के रूप में बनाया गया था। स्लोवेनिया ने जून 1991 में यूगोस्लाविया से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और आज ये यूरोपियन संघ और नाटो का भी सदस्य है। सो गाइज, मैंने भी स्लोवेनिया के बारे में पहली बार पढ़ी है और आप लोगों को भी सुनाया है। सो गाइज, ये क्या नित्य कर रही हैं इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। शायद ये शांति का प्रतीक हो सकता है। जिसको भी इनका नित्य का अनुवाद समझ में आया हो वो मेरे कमेंट में लिख दीजिएगा। सो गाइस, जो जो मेरी वीडियो देख रहा है मुझे ज़रूर बताना किस किस को पता था स्लोवेनिया के बारे में और कितने लोग इस देश के चीज़ों को जानते हैं, जगहों को पसंद करते हैं। जो लोग पहले से जानते हैं या जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग भी मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसा देश है। अभी तो मैंने सिर्फ छोटी मोटी सी हिस्ट्री पढ़ी है और जो लोग वहाँ रहते हैं अगर वहाँ से कोई देख रहा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन जो भी है, इनकी कला मुझे अच्छी लगी थी, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आया, वो बोर नहीं हुई। और आधे घंटे का शो था जो मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाई जितना हो सका, क्योंकि बीच में मैं थक थक जाती थी कैमरा लगाते हुए। सो जो भी मैंने देखा आप लोगों तक पहुंचा दिया। आप लोग भी देखिए और स्लोवेनिया के बारे में जानकारी निकालिए। देखिए, स्लोवेनिया भी एक अच्छा देश है। सो काफ़ी लंबा इतिहास है इनका भी, काफ़ी शांत है ना देश, इसीलिए पॉपुलर नहीं है शायद। कितनी सारी कंट्री है, हर कंट्री जो है हलचल नहीं करती है तो इसलिए वो शांत रहती है। इनका लोगों को बुलाने का पर्पस ये था कि ये अपने देश को प्रमोट करना चाह रहे थे, तो कुछ ऐसे लोगों को बुलाया था जो इनके देश में बनने हुए चीज़ों का और इनके देश से आए हुए चीज़ों का प्रमोशन कर सके। तो हम लोग गए थे, काफ़ी अच्छा था। अच्छा खाना भी इनका बड़ा ज़बरदस्त था जो कि बाद में हमने खाया,
और बड़ा ही शानदार नृत्य कला थी इनकी। आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए, कैसा लगा ज़रूर बताइए। कैसा लगा आपको स्लोवेनिया का ट्रेडिशनल डांस देखकर? तो इन तीनों ने दिखाया था हमें शानदार डांस। फिर उसके बाद खाने का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम था, खाना खाया हमने और घर गए।